अंकुश गिरा हुआ है, उसको उठा के लेके आए। हाय दैयर दैया, यू का बोल दिन भैया, मतलब भाई साहब का ही बताएं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गांव से, चौबारे से, दुआरे से, हर जगह से आए आए के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब मामा जी की डेथ को भी इस तरीके से दिखाया गया, ऐसा लग रहा था जैसे शिमला में गए हैं घूमने या फिर कहीं और एक्टिविटी कर रही हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस रंगारंग रोचक और कुछ जानकारियों पे पूर्ण रूप से प्रकाश डालने वाले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी हाँ, असल में कुछ ऐसी बात हुई है जिसके बारे में वार्तालाप करना बेहद ज़रूरी है। एक्चुअली मैं ना कागजी जिज्ञा मतलब अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो आ चुका है, डेली की सेम बातों का मेरा सेम रिप्लाई हेटर्स को ड्रिंक के साथ। भाई साहब जो ड्रिंक है ना, उका देख के पहली बार में तो यही लगता है कि हैं यू का हो ही रहा है भैया, काज ऑन कैमरा पिया जाएगा है, कुछ ऐसा ही कहानी लग रहा है देखने पर। लेकिन जैसे पहुँचोगे तुम अंदर, तो अंदर भाई दूध का दूध, पानी का पानी, मतलब शरबत का शरबत और सोडा का सोडा हो जाएगा। चलिए जी, फिर आज के इस रंगारंग कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि समय समय पे इस वाली फैमिली पे, कागजी फैमिली पे, एक कुनबा फैमिली, एक कागजी फैमिली, तो कागजी फैमिली पे अक्सर कुछ इस प्रकार के इल्ज़ाम लगते रहते हैं जिनमें ना सच्चाई कितने प्रतिशत होती है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब कितनी बार इन सबको बताए हैं, कितनी बार समझाए हैं, लेकिन ना लोग सुनने को तैयार ही नहीं है, खासकर टरू वाले। और टरू वाले ऐसा प्लेटफॉर्म भी पा जाते हैं कि वहाँ पर जाए के अपनी मनगढ़ंत बातों को जाके रिप्रेजेंट भी कराते हैं। हालांकि इनका कोई आकार नहीं होता है, कोई व्यक्तित्व तो नहीं होता है, दिखते नहीं, कभी काल्पनिक होते हैं या फिर इनका कोई आकार जैसे कि हमको पता है सिर्फ आवाज़। मतलब एक लता मंगेशकर जी का एक गाना था, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो खैर उनकी आवाज़ जैसी तो पूरे विश्व में किसी की आवाज़ नहीं है, लेकिन ये जो कुनबा वासी के सपोर्टर्स हैं इनकी आवाज़ हमने देखी है, इनको बहुत कम देखा है। कुछ हैं जो इनको एक आध को देखा है, बाकी सिर्फ अपने वॉइस ओवर के माध्यम से आते हैं, है ना। तो चलिए आज के इस रंगारंग कार्यक्रम को शुरू करते हैं। यहाँ पर बात सिर्फ वीडियोस पे होगी, उनके घर में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोसी कहाँ पे आए के बोल रहे हैं, इन सारी चीज़ें आज वीडियो में बोली गई हैं। तो उन पड़ोसियों के बारे में बात होगी। अब ये पड़ोसी काल्पनिक हैं या यथार्थ के हैं, ये पड़ोसी वहाँ तक कैसे पहुँचे, चलो मान लेते हैं पहुँच गए, क्योंकि यूट्यूब पे सर्च करो तो पहुँचे जाते हैं तमाम। कभी कभार कमेंट आते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करते हैं कि हम जिज्जी घर के बगल रहते हैं, हम जिज्जी गांव से थोड़ी दूर पे रहते हैं, तो हमें भी नहीं पता होता है कि वाकई में वो जिज्जी के घर के पास रहते हैं या फिर भाई वो आके इस प्रकार के मिर्च मसाला वाली जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो रियल है या फेक है पता नहीं होता, पर वो इन्फॉर्मेशन कभी शेयर नहीं करते, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को देख ना लें या तो फिर वीडियो में डिस्कस किया गया हो या फिर कहीं पे उसके बारे में डिस्कशन हुआ हो। तो भाई कुछ ऐसी ही औरतें अब कहाँ पे, किस प्लेटफॉर्म पे गई ये तो मुझे नहीं पता है, पर जैसा कि कागजी पति ने बताया कि मेरे गांव की लेडी बन के पहुँची शायद किसी लाइव में, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि ये जो आदमी है ना, हम इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हैं, एक नंबर का नीच गिरा हुआ आदमी है, जब देखो तब देसी ठर्रा पौआ लगाए, कब्बो इधर पड़ा रहता है, कब्बो उधर पड़ा रहता है, अक्सर लोग इसको उठाए के ले जाते हैं। भाई साहब हम ना, अब देखिए ज़्यादा तो इस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, बस एक ही शब्द बोल, मतलब एक लाइन बोलना चाहेंगे। टरू वालों, डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, वो जो भी हैं गांव वाले, हमको ना प्लीज़ एक फ़ोटो चाहिए, हम भी आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हमें सच के साथ रहना पसंद है। हम ना एक नाले में पड़े हुए, रास्ते में पड़े हुए या कहीं पड़े हुए एक जिज्जा जी की फ़ोटो चाहते हैं, कागजी जिज्जा जी की। मतलब तुमरे, अगर तो उनके घर घर के आसपास रहते हो या गांव के, तो तुम्हारे भैया होंगे या रिश्ते में जो भी लग रहे हो, देवर भैया हमें नहीं पता,
पर हमारा जिज्जी के साथ जो रिश्ता है उसके हिसाब से कागजी जिज्जा जी लागे हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि कागजी जिज्जा जी की ना एक नाली में गिरे हुए या रास्ते पर गिरे हुए या फिर कहीं पे गिरे पड़े हुए एक फ़ोटो, वैसे तो हम ऑफ कैमरा की बात नहीं करते हैं लेकिन ये तो सब ऑन कैमरा बात आ चुकी है और आज ऑन कैमरा भाई कागजी जिज्जा ने भी बोल दिया तो ये वीडियो में आ चुका, तो ये वीडियो की बात है, अभी ऑफ कैमरा की बात है ही नहीं। तो हम आपसे एक विनम्र निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के, हम भी आपके साथ आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, बस एक फ़ोटो की दरकार हो, कोई कतई घटिया एडिट मत देना है। जैसे लास्ट टाइम भाई कागजी जिज्जा का अपने बच्चे के साथ सोए थे और तुम लोगों ने कहा कि अनाज पीटो है भाई, एक लड़की को ऊपर नीचे चिपका दिया, वो भी इतना घटिया एडिट, इतना घटिया एडिट ना कि भाई छोटा बच्चा भी इससे बेस्ट एडिटिंग कर दे, इतने अच्छे अच्छे आए पाएंगे। वैसे कभी भी दर्शकों हम आपसे खुले में बता रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी अगर किसी के मन में ऐसी भावना भी आ रही तो मत करना, क्योंकि ये क्राइम होता है अगर आप इस तरह के किसी के फ़ोटो को एडिट करके गलत रूप आकार देके आप उसको कहीं पब्लिक करते हैं तो ये भैया क्रिमिनल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है ना, तो इस पे ना केस भी हो सके है। इसलिए अगर आपके दिल जिगर किडनी में ऐसी कोई भावना है, अगर आप टरू वाले भी हैं तो टरू वालों हम तुमको भी ये जानकारी दे रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी में शामिल ना होना, अदरवाइज महंगा पड़ेगा। जो चीज़ गलत है उसको कभी भी सहयोग ना करो इस प्रकार की बातों को। बाकी यार आपका पूरे तरीके से मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा अधिकार है। तो भाई इसी बात को करते हुए जो कागजी जिज्जा ने अपनी अम्मा से बताया कि मम्मी जी अब आप है बताए दो, गांव की कुछ फेक लेडीज़ जाए जाए बन बन के बोलते हैं, इन पे आप भरोसा ना करो, ये सारी चीज़ें झूठी बातें हैं। तो हम तो भैया भरोसा तभी करेंगे जब हमको फ़ोटो मिलेगा, इसके अलावा देखिए ना हम कुनबा वासियों पर भरोसा कर पाते हैं और ना ही टरू वालों पर। अब सपोर्टर्स पे तो भाई बिल्कुल मतलब है नहीं भरोसा करने का, क्योंकि ना सपोर्टर्स को हम सुने ना ही कोनो मतलब, जो वीडियोस में दीदी की बात होती है या फिर बात होती है कागजी जिज्जा की हमें उनसे है मतलब। तो मेरा सौ की सीधी बात, अब बात आई है तो मैं बस इतने कहना चाहूँगी, एक फ़ोटो की है दरकार फिर हम आपके साथ संघर्ष करेंगे है ना, हम भी जिज्जा की तह तक जाएंगे कि कैसे जिज्जा भाई पियक्कड़ आदमी कहीं नालिम गिरा पड़ा रहता है। तो फोटो है है, अरे काहे मुँह छुपा रहे, अरे तनिक पलटो तो सही, बिना फोटो के कैसे बोला है भाई साहब लाइव में। खैर का ही बोले दर्शकों, कुछ लोगों की आदत जो होती है ना वो होते हैं आदत से मजबूर लाचार, मतलब कुछ हो ही जाए इनका तुम कैसो तरीके से सही चीज़ समझा ही नहीं सकते हो, कितनो तरीके से तुम इनको समझाने की कोशिश करो ना जी ना, इन्होंने तो बस एक मापदंड बांध लिया कि ना यही सही है मतलब यही सही है। का ही बोले वैसे दर्शकों, इन सब बातों में मम्मी जी भी है ना मजे ले लिए ना, मम्मी जी के हाँ बिल्कुल सही कहा लाइव में जिसने भी कहा, वही तो उठा उठा ले ले यहाँ मेरे घर में भेज के जाती हैं, और इस पे सोने पे सुहागा कर दिया भैया अंकुश ने, बोले कि देखो भाई जब से हमारी जिंदगानी में हमारी जिंदगानी कहानी पलटी है तब से मैं रोज़ पीता हूँ, क्योंकि ये जो मेरा गम है बहुत ज़्यादा है तनिको नहीं कम है, इसलिए मैं रोज़ लगाता हूँ नीचे गिर गिर जाता हूँ, फिर गांव के मेरे कितने प्यारे प्यारे मतलब आदमी लोग तो भाई साहब ध्यान ही नहीं देते, लड़के भी ध्यान नहीं देते, लेडीज़ लोग उठाए के लेकर आती हैं, है मैं गिर जाता हूँ वो उठाती हैं, मैं गिर जाता हूँ वो उठाती हैं। उसके बाद भाई एक और बात आती है मुद्दे की बात, विगत दिनों में आप सबको पता है कि इनके मामा श्री की डेथ हो गई थी जो 85 प्लस या फिर कुछ ऐसे ही थे, जो कि छुटकन्नी जिज्जी ने भी 22 तारीख को बोला था कि मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगी, कंटेंट बनाना और दुख जताना, देखो राग वाग पे ना जाना कहा कि हम तो बाथरूम सिंगर भी नहीं, हम अपने आप से भी शर्माते हैं, इस तरह का हमारा राग है, इसलिए हम कभी कभी यही मना आपके लिए थोड़ा एंटरटेन करने के लिए गुनगुनाते हैं, बाकी हमारा राग सुरताल इससे कोई लेना देना नहीं है, है ना। तो जिज्जी ने कहा था कि ये जो 22 तारीख है उस तारीख में जो हुआ मैं कभी ना भूल पाऊँगी, मतलब जिज्जी खैर वो तो बात आई गई हो गई, तो उस दुख को ना
जिज्जी भी ने भी व्यक्त किया था और कागजी जिज्जा ने भी पहले बताया था इस बारे में। तो इनके जो मामा श्री हैं वो चले गए और उसके बाद ये लोग एक दिन ग्रॉसरी लेने गए थे। अब ग्रॉसरी लेने के बाद ये लोगों ने बाहर डोसा और शायद एक चीज़ और खाई थी, पाव भाजी। तो भाई साहब घर में एक ही लेडी है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बाहर गए थे घर का सामान लेने। अब मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आपके घर में अगल बगल में रिश्तेदारी में कोई भी अगर चला जाता है, इंसान एक दिन नहीं खाता है, अगर घर का भी इंसान जाता है, पर अगर जीना है तो खाना पड़ेगा। और ये लोग अपने घर वापस चले आए थे, अगर घर में राशन ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो गया है तो ग्रॉसरी का सामान नहीं लेने जाएंगे। कोई टेलीविज़न लेने गए थे या फिर कोई रंगारंग कार्यक्रम में देखने गए थे, पार्टिसिपेट करने गए थे, मॉल गए थे, घूमने गए थे, सामान खरीदने गए थे, जहाँ पर भी गए थे, जिस भी शायद रिलायंस मार्ट में हैं, उस चीज़ को भाई साहब इस प्रकार से दर्शाया गया, इस प्रकार से दर्शाया गया कि जैसे इन लोगों ने ना कोई गुनाह कर दिया। मतलब अगर आपके कोई आत्मीय जन चले गए हैं तो भाई साहब तुमको ना भूखे रहना है, तड़प तड़प के मर जाना है, जान अपनी निकाल देना है, प्राण त्याग देना है, लेकिन कतई तुम्हें खाना नहीं खाना जब तक उधर तेरहवीं ना हो जाए। मतलब यार मैं कहती हूँ कि आप इसमें जैसे दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, खुद कितने परसेंट करते हैं। वाकई में अगर ये लोग गलत करे होते, कहीं घूमने घामने गए होते तो दुनिया का तो पता नहीं, मैं भी बोल देती कि इनको थोड़ा थम के जाना चाहिए था। लेकिन ग्रॉसरी जैसी चीज़, और वो बुज़ुर्ग महिला जो डेली खाना बनाती है, डेली घर का सब क्रियाकलाप करती बिना किसी हेल्पिंग हैंड के और बिना किसी हेल्पर के। मैं हमेशा इस चीज़ को बोलती हूँ, इस एज में एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सपोर्ट ना होते हुए भी वो माँ किस प्रकार से सारा काम खुद करती है अकेले, क्योंकि कागजी जिज्जा तो अक्सर बाहर हुए होते हैं। तो सौ की सीधी बात, अगर उन्होंने बाहर खा लिया उसको इतना बड़ा इशू बना दिया गया, मतलब देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। अभी तक यही सब लोग सोच रहे हैं कि 4 जून को का होगा, 4 जून को का होगा, कौन सी सरकार आएगी, कौन सी सरकार नहीं आ पाएगी है, लेकिन यहाँ पर का हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है अलग ही चीज़ है कि ना ये आदमी कैसे चला गवा, ये गवाई का मतलब भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा वैसा आदमी है जो अपने मामा का जाने के बाद इस प्रकार का कर रहा है कारनामा, बाहर खाए रहा है खाना। इसके अलावा आजकल भैया कागजी जज्जा बहुत मजाकिया हो गए हैं, वैसे किसी की एज का किसी को अंदाज़ा नहीं होता, चले तो बहुत दिन तक, ना चले तो आ जाए टपक जाए, गर्मी ऐसी है इंसान कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं। फिलहाल इन्होंने अपनी जो आयु बताई है वो लगभग 50 साल बताई है, और अभी मैं 35 साल का हूँ, आने वाले टाइम में ना 15 साल और मेरा केस चलेगा, क्योंकि लोग बोल रहे हैं मैं 10 साल लड़ूंगी, 20 साल लड़ूंगी, 30 साल लड़ूंगी, तो कह रहे हैं भैया केस बीच में बंद हो जाएगा, कहा कि ना मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे दैया इस किस प्रकार की बातें हो रही हैं भैया, आप लोगों का कुछ समझ में आ रही है, नहीं आ रही कोनो बात नहीं। तो भाई आजकल ना ये दूसर के जोशमा है, क्यों? क्योंकि भाई साहब चर्चा में है, चर्चा में, और चर्चा कहाँ कहाँ पे हो रही है आप सबको बेहतर ढंग से पता है। अब चर्चा तो होनी लाजमी है, अगर कोई क्रिएटर है उसके बारे में चर्चा होगी, लेकिन काल्पनिक चर्चा, अरे वीडियो के आधार पे करिए ना चर्चा पे पर चर्चा। दूसरी एक बात ये भाई जो चर्चा का विषय बनी हुई है कि ये आदमी कहता है जब जज बोलेंगे या फिर कोर्ट बोलेगा तब जाके मैं ये सारा चीज़ करूँगा, मैं पैसे दूंगा, है ना। तो भाई इनका यूँ कहना है कि जिस प्रकार से लोग ये बोल रहे हैं कि जज से पूछ के तो बच्चा पैदा किया नहीं था, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहन जो लोग भी ये बोले हैं, मैं नहीं पता इसको बोला है, पर भाई साहब उस टाइम जज थोड़ी ना थे बीच में, उस टाइम तो प्यार इश्क और मोहब्बत, तो जज से पूछ के तो बच्चा पैदा नहीं हुआ था, पर दोनों की रजामंदी से बच्चा पैदा हुआ था। इसलिए कृपया करके यार बच्चे पे तो सवाल ना ही उठाओ। जब बच्चा पैदा हुआ था या फिर होने वाला था तब चीज़ें कुछ दूसरी थी, और जब बाद में बातें बदली तो चीज़ें कुछ दूसरी हो ही गई हैं।
तो अब इस चीज़ को इस प्रकार से प्रेजेंट करना, अरे भाई साहब, कोर्ट कचहरी के द्वारा जब हुआ है सब कुछ, जज्जी भी बोलती है कि हम अगर जाएंगे या फिर कोई भी समझौता करेंगे या फिर किसी भी हल तक आएंगे तो हम ना कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि अब हमारा जो मुद्दा है चल रहा वो कोर्ट में चल रहा है, तो हम व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करेंगे। कितनी बार वो कमेंट में भी ये चीज़ लिख चुकी हैं। तो भाई साहब, बंदा कैसे दे दे, और प्रोसेस के अंतर्गत उसने पहले भी बताया, फिर से उसने बताया कि तब तक कोई भी ट्रांजैक्शन या किसी प्रकार की चीज़ें करना के लिए मना करी गई हैं। तो जब निर्धारित कर दिया जाएगा तो अगर प्रीवियस में भी अगर जज बोलते हैं या फिर ऐसा लॉ होगा, क्योंकि जो लोग लॉ जानते हैं उनसे आप पता कर लीजिए कुछ एरिया या फिर जो भी वो बता रहे थे उसके अंतर्गत जितना बोला जाएगा पे करने के लिए तैयार हैं। मतलब भाई साहब, ये लोग लगातार बार बार खुदे वकील बन जाते, खुदे जज बन जाते हैं। मतलब कहाँ चल रहा भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब उधर एक वकील जी हैं, एक नहीं जज्जी के तो मेरे कई वकील हैं, और कोर्ट कचहरी में जो जज साहब हैं वो एक ही हैं। आप लोग वाईटी के जज जरूर हो सकते हो, ना आपके कहने से ना हमारे कहने से। हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से टीका टिप्पणी तो कर सकते हैं, पर फैसला तो वही होगा जो जज साहब को मंजूर होगा। मतलब यहाँ तो आपस में लोग जज बने फिर रहे हैं भाई साहब। और इतने नहीं, दरअसल को एक चीज़ और बात पता चली कि भाई साहब जब ये बच्चे से मिलने गए थे 11 मई को, तो वहाँ पर गिफ्ट्स के अलावा शायद 10,000 रुपीज़ बता रहे थे कि हम दे के आए हैं अपने बच्चे को अपनी तरफ से, ऐसे ही क्योंकि मेरा मन था उसको देने का। उसकी वजह से जब उन्होंने अपने वकील को बताया तो वकील ने बहुत अच्छे से सुनाया कि कानूनी प्रोसेस के अंतर्गत तो का करके आया है भाया, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे ये बात तो हम लोगों को वीडियो में जिज्जी ने भी नहीं बताया है कि उसके पापा से, चलो जिज्जी के लिए देखो 10,000 कुछ मैटर नहीं करता, हमारे जिज्जी के 2 वीडियो में 10,000 तैयार। बस थोड़ा सा कागजी परिवार और सास ससुर, मतलब सास को या फिर ससुराल के किसी मेंबर को पकड़ना होगा, कोई दुख व्यक्त करना होगा या कनेक्शन फील करना होगा, है ना, फिर काजी 2 वीडियो में 10,000। और वैसे भी जिज्जी यही मानती हैं कि ये लोग अगर कुछ देते हैं तो हम पे तो कोई एहसान करते नहीं है, क्योंकि ये हमारे ही प्लेटफॉर्म का खा रहे हैं। जिज्जी सिर्फ यूट्यूब पे एकाधिकार समझती है कि अगर यूट्यूब है तो सिर्फ उसकी वजह से है यूट्यूब। का ही बताए दर्शकों, सब अपनी अपनी सोच है। अब हमारी जिज्जी की यही सोच है कि यूट्यूब पे मालिकाना हक है वो हमारी जिज्जी का है और कतई किसी इंसान का नहीं है भाई साहब। यार कभी कभी हमको बहुत ही हंसी आता है इस प्रकार की सोच पे। पर कोनो बात नहीं, अब का बोल सकते हैं, है सोच तो है उमा, कुछ दो राय तो है नहीं है। वैसे तमाम लोग जिज्जी की इस बात को भाई सुन के आई कि जिज्जे ने वहाँ पर जाए के सीट के नाम पे 10,000 रुपया दिए हैं, एक लोगों ने कमेंट करा है कि भैया तू काहे पैसा दे के आए हो, 10,000, क्योंकि तुमको सीट के कौन से अकाउंट में डालना है पहले ये बता दो, अगर लेना ही था तो वो कलछी पलेटें कर्टन चीज़ें ही लेगी, बेटे को ऐसे अच्छा खिलौने कुछ और दे देते, गवर्नमेंट स्कूल में भेज रही है, होटल्स में रहने के लिए पैसे हैं, घूमने के लिए हैं, पैसे वेस्ट करते हैं लेकिन बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजे हैं। लो जी, जनता जनार्दन को ये बिल्कुल रास नहीं आवा कि ये जो 10,000 रुपया भी दे के आए। देखिए, इसमें तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर वो दे के आए हैं तो पेरेंट्स हैं, पापा हैं, पापा अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते। बस वही सीन है कि बच्चा दूर है, हालांकि जिज्जी ने बोला था आपको तो ये सब देने की ज़रूरत नहीं, हम एक साथ रहने के लिए तैयार हैं, ये सब देना तब पड़ेगा जब हम अलग अलग रहेंगे, पर इकट्ठे रहने वाले हैं तो ये सब देने की क्या ज़रूरत है, चलो एक नई शुरुआत करते हैं, हम साथ रहते हैं। लेकिन जिज्जा का कहना, पहले तो हम साथ रहना चाहते थे इसीलिए सेक्शन 9 दायर किया था, लेकिन अब हम बहुत चुके से अघाए चुके हैं तो अब हमको रहना नहीं है, इसीलिए हमें तैयार, और जितना भी जज बोलेंगे हम देने को हैं बेकरार। भाई साहब, इसके अलावा भाई कुछ लोगों ने सवाल उठाया होगा किसी लाइव में कि बच्चे को पैसा दे नहीं रहा है, कोर्ट से पैदा करी पूछ के नहीं पैदा करी, जज से पूछ के नहीं पैदा करी, तो भाई उनका कहना है कि हम तो बच्चे को साथ में रखना चाहते हैं,
तो उस सिचुएशन में बच्चा हमका दे दो, लेकिन अगर तुम लोग इस बात पे भी एग्री नहीं करते हो तो भाई जज साहब जब हमको बताएंगे जितना अमाउंट तभी हम देंगे, अभी हम का कर सकते हैं। अब पर्सनली तो जाए कि हम नहीं दे सकते हैं कि पुल पे चले जाएं दे आए। और भाई कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं जो कि प्रीवियस वाले वीडियो में बताया गया था लायबिलिटी को लेकर, तो दोनों पार्टीज़ को देना है और उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन वगैरह होंगे किसकी कितनी कमाई। अच्छा भैया अब समझ में आई बात, वैसे पहले भी आ गई थी, हमारे जज काहे ब्रेक पे है, हैं हैं हैं। अब भाई वेरिफिकेशन होगा तो इतना ज़्यादा कहीं अमाउंट दिख गवा तो पैसा ना कम हो जाएगा हमारे जिज्जी का? तुम सब यहाँ ऐसे बैठे हो का? मतलब हमारे जिज्जी ने कच्ची गोलियाँ थोड़ी खेली, चलो जिज्जी ने कच्ची खेली, बड़कन्नी जिज्जी नोना जिज्जा हैं। तो इसीलिए आजकल ब्रेक ब्रेक ज़्यादा चल रहे हैं उमा का। जब आएंगे रेगुलर तो भाई एकदम से तुम लोग पहुंच जाना देखने, एक बार बंध बुंध जाए फिर देखो कैसे। और ये बात का तुम लोग ना गांठ बांध लो कि जैसे एक बार कोर्ट कचहरी के द्वारा डिसाइड कर दिया जाएगा इतना इतना अमाउंट कागजी बाप को अपने बेटे और बीवी को देना है, फिर जी देख लेना रेगुलर वीडियोस बनेंगे, रेगुलर जिज्जी आएंगी, रेगुलर वीडियो बनाएंगी। इसी बात को आप लोग याद रखना दर्शकों, कतई भूलना नहीं है। फिर भाई हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन, कानूनी प्रक्रिया जज साहब तो यहाँ है नहीं पर जनता ने जरूर सुन लिया होगा कि भाई बाकी तो सब ठीक है लेकिन अब मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ जो हुआ है अत्याचार मैं उसको जी नहीं सकता और बर्दाश्त कर नहीं सकता, मुझे चाहिए न्याय। और बच्चे के लिए मैं डेली मिलेगा डेली दूंगा, कभी मिलेगा कभी दूंगा, मम्मी मिलती मम्मी देती कभी मैं देता, मतलब कुल मिला के पूरा सफाई नामा इनको देना पड़ गया हेटर्स की वजह से। इतना नहीं भाई दर्शकों, पिछले वाले जो हियरिंग में शायद इन्होंने जज साहब से भी अपील करी है कि जज साहब मेरे बच्चे को सरकारी स्कूल के बजाय किसी उचित शिक्षण संस्थान में दाखिला कराया जाए, बस का और बाकी खर्चा मैं देने के लिए स्कूल का तैयार हूँ, फीस देने के लिए तैयार हूँ, एडमिशन पैसा देने के तैयार हूँ, चाहे तो मम्मी के यहाँ पहुँचा दूँ चाहे जैसे बोलो वैसे दे दूँ, लेकिन मैं पूरे तरीके से देने के लिए तत्पर हूँ भाई जज साहब, अब बताओ मैं क्या करूँ। इसके अलावा शायद इनका कोई स्क्रीन शॉट बोल रहे थे कि मेरा है कि नहीं है, चलो मान लेते हैं कि मेरा है, लेकिन उसमें अगर तुम बोल रही हो कि मैंने ये लिखा मैंने ये बोला तो हाँ मैं मानता हूँ कि तुमने करा है, मतलब उनके ऊपर हुआ है अत्याचार और आज भी मैं उसी बात पे अडिग हूँ, हाँ अत्याचार हुआ है। बाकी मैं 7 महीने में सिर्फ 2 महीने मिल पाया, बाकी के 5 महीने किधर गए मेरे भाया? अब सोचो काहे नहीं मेरे बच्चे से मिलवाया, उस हिसाब से तो कोई नहीं सोच पाता है और ना ही सोचता है। अगर सोचा होता तो भाई बात कुछ और होती। बाकी जनता जनार्दन आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ही रातों रात ये जो इतना बड़े बड़े इल्ज़ाम लग चुके हैं मामा जी की डेथ को लेकर, इसके अलावा थोड़ी सी स्निपी है कभी रस्ते में तो कभी नाले में, फोटो याद रखना हेटर्स हैं, मतलब एक आध भेज देना हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, हाथ से मतलब कंधे से कंधा मिलाएंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे और मिलकर लड़ेंगे, है ना, तुमको न्याय दिलाएंगे। चलिए जी टाटा बाय।